आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं ऐलान ए जंग। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूसी दल के हमलों में भयानक तबाही हुई है और यूक्रेन और रूस के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत रही बेनतीजा। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूसी दल के हमलों में भयानक तबाही हुई। खार्किव और यूक्रेन की राजधानी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन में आम जनता इस समय बहुत ही बुरी परिस्थितियों में है। यूक्रेन की जनता और आम बच्चे बंकर में छुपे हुए हैं और कई लोगों ने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण ली है। दूसरी तरफ बीते समय में काफी हंगामे और युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन के बीच पहली बार बात हुई। यूक्रेन पर रूस हमलावर होता जा रहा है। युद्ध के बीच दोनों देशों ने पहली बार आमने सामने बातचीत की। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच आज 3.5 घंटे लंबी बात चली। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही और युद्ध रोकने को लेकर इसमें कोई फैसला नहीं हो सका। बातचीत से यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया था कि यूक्रेन इस बातचीत में यूक्रेन का मुख्य मुद्दा युद्ध को तुरंत रोकने और रूसी सैनिकों की वापसी का होगा। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने इस बातचीत में रूस को डोनबास सहित पूरे देश से अपनी सेना वापस लेने के साथ साथ क्रीमिया भी छोड़ने की मांग की। रूस का यूक्रेन पर खतरनाक हमला। वहीं अब रूस का यूक्रेन पर हमला बढ़ता जा रहा है और रूसी सेना बातचीत के बाद और ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया को अंत की ओर ले जा रहे हैं। वहीं अब रूस ने हथियारों के साथ साथ हवाई हमले को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रूस पर आरोप लगा है कि उसने यूक्रेन संग जारी युद्ध के दौरान वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ये बम काफी शक्तिशाली माना जाता है और बड़े स्तर पर तबाही मच सकती है। इसके अलावा खार्किव में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दुख जताया है। बता दें कि मृतक कर्नाटक के हावेरी जिले का रहने वाला था और 21 वर्षीय युवक बंकर से खाना लेने के लिए बाहर निकला था। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में दिन ब दिन घमासान बढ़ता जा रहा है। भारी तबाही के बीच भारतीय छात्रों का रेस्क्यू भी जारी है, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये युद्ध चलता रहेगा। यूक्रेन की जनता के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर जो बीत रही है, आखिर लोगों की इस दुर्गति का जिम्मेदार कौन है। प्राइम टीवी के लिए अर्चना की रिपोर्ट। एक तरफ जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा रही। अब इसके परिणाम काफी भयावह देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक हमला हो रहा है। आम नागरिक की बात करें या फिर विदेशी नागरिक जो कि यूक्रेन में रह रहे हैं, सभी के लिए मुश्किल घड़ी है। लेकिन फिर भी
हम चाहते हैं कि शांति हो ताकि युद्ध जो है उस पर विराम लग जाए, और युद्ध से कोई भी नतीजा नहीं निकल सकता है, बातचीत से ही नतीजा निकल सकता है। लेकिन जो बातचीत हुई वो तो बेनतीजा रही, क्या आगे बातचीत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हर एक अपडेट के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।